जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें डीआई के क्वेश्चंस का जो है वो सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इसमें हम पूरे बेसिक्स टू एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे और रिसेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली आपने क्या ख्याल रखना है, डाटा इंटरप्रिटेशन करने से पहले आपने ये दिमाग में रखना है कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साथ में एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस को किस प्रकार से करते हैं, उसके बाद जरूर इस वीडियो को देखें। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको यहां से भी कम ही समझ आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को दिमाग में रखें और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा। तो पहला प्रश्न है आपका कि नीचे दी गई सारणी में ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करें करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके पास नगर दिए हैं और ये वर्ष दिए हैं और ये उनका योग दिया है। सभी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें आपके पास ए नगर, बी नगर, देख सकते हैं ध्यान से, ए नगर, बी नगर, सी, ऐसे नगर दिए हुए हैं, नगरों की संख्या दी गई है। क्वेश्चन को ध्यान से आपने हर बार पहचानना है सबसे पहले। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन को पहचानना है। ठीक है, आफ्टर देन ये आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है वर्षों में जो भी नगरों में भवनों की संख्या, यानी कि कौन कौन से जो है समय में जो है वो भवन यानी कि घर बने थे या घर बनाए गए थे, उनकी संख्या को दर्शाया गया है यहां पर। ठीक है, जैसे कि 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में कितने घर बने हैं, तो ए नगर में जो है वो 1500 घर बने हैं। कितने घर बने हैं जी, 1500 बने हैं। इसी प्रकार से बी में कितने बने हैं, 1250, सी में 1480, 1724, 1020, 1136। तो इसका टोटल 2017 में कितने बने हैं, 8110। इस प्रकार से रो और कॉलम में ये डिटेल्स जो है आपको पेपर में दी होंगी और आपको यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो आज का पहला सवाल जो इस डाटा से पूछा गया है, वो पूछा गया है कि वर्ष 2017 में इस राज्य में निर्मित कुल भवनों की संख्या बतानी है और 2023 में निर्मित कुल भवनों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि 2017 और 2023, प्यारे दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, 2017 और 2023 का पूछा है। तो 2017 में टोटल भवन कितने बने हैं, 8110, 23 में कितने बने हैं, 9164। ठीक है, तो आपने पूछा क्या था, प्रतिशत, तो किसका पूछा है, 17 का 23 के साथ, इसलिए 8110 बटा 9164 मल्टीप्लाई 100। 100 किस चीज का होगा प्यारे बच्चा, वो होगा आपका परसेंटेज का। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 88.45%। अगला सवाल है, सभी नगरों में 2020-2022 में, यानी कि 2020 और 2022 की बात कर रहे हैं, ये मैं पिछली वाले डाटे को आपको मिटा रहा हूं कि आपको आइडिया पूरा लग जाए। 2020 और 22, ठीक है, मैं भवनों की संख्या में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंस बताओ 20 और 22, 20 में कुल कितने भवन बने और 22 में कुल कितने भवन बने, यानी कि दो नंबर सवाल, अंतर बोला है तो यानी कि सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 8696
और ये बड़ी संख्या है तो इसलिए बड़ी आगे लीजिए, 8995 माइनस 8696, तो सब्ट्रैक्शन कर लीजिए इसको, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 299, 299, क्लियर है, 299 यानी कि माइनस करके इस प्रकार से जो है आपका ये संख्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो ये दो क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए गए थे आपसे। इसी प्रकार से हर एक पेपर में अगर आप डीआई पर जाएंगे तो हर पेपर में आपको ये क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप बैंक का पेपर दें या एसएससी का पेपर दें, हर पेपर में आपको यहां से देखने को क्वेश्चन मिलेगा। आगे कोई बात करते हैं हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस में, तो अगला क्वेश्चन आता है, विगत वर्षों में राज्य भर में निर्मित भवनों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी कि टोटल परसेंटेज बताइए या कि कितनी परसेंटेज जो है वो बनी है, यानी कि विगत राज्यों में वर्षों में राज्य भर में निर्मित भवनों की, यानी कि पूरे राज्यों का जो टोटल है वो बताएं, तो टोटल राज्यों का भवनों का जो टोटल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3 नंबर, कितना है 3 नंबर है, तो टोटल आ गया 6823, ये कुल भवनों की संख्या पूछी, बहुत ही सिंपली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, आपने माइंड में यही रखना है, क्वेश्चन बहुत इजी से पूछा जाएगा, मगर पहचानना है डाटा को, तो सबसे पहले हमें जो है वो डीआई का ये जो डाटा दिया है उसको ध्यान से रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए, 2019 में नगर सी में निर्मित भवनों की संख्या, कब की बात कर रहे हैं 2019, ये आगे 2019 भवनों में सी ये रहा, तो सी ये है, ठीक है, की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, पिछले वर्ष कौन सा हुआ 1500 वाला, यानी कि 2018 हुआ ना 2019 से पिछला, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया है 45 का अंतर आया है, कितने का आया है 45 का अंतर आया है, और इन्होंने पूछा है कि उसकी तुलना में कितना प्रतिशत है, तो 2019 का है तो आपका आ गया 1545 और गुणा 100 किस चीज का ले रहे हैं, ये हमारा किस चीज का रहा है परसेंटेज का, किस चीज का है परसेंटेज का है, ओके। इसके बाद काट दीजिए, 15 और 15 तीय 45, 300/103% कितना आ रहा है, मगर अब आपको यहां पर दिक्कत क्या है कि परसेंटेज की दिक्कत है, ठीक है, तो आपका ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3.5 यानी कि आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तो 3% जो है वो इसका लगभग ये आंसर रहेगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में जो है हमसे जो पूछा है वो कंपैरिजन किस ईयर का पूछा है 2019 का, तो इसलिए 2019 का ही याद रखिएगा बच्चों कि 1500 नहीं लेंगे 1545 लेंगे डिनोमिनेटर में, जिसका कंपैरिजन किससे पूछा है, तो पहले पूछा है 2019 का पिछले साल के से, तो इसलिए हमने 1500 को नहीं लेना है 1545 को लेना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, सभी कमेंट कर सकते हैं साथ साथ में। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर सवाल है, विगत वर्षों में नगर ई में निर्मित भवनों की कुल संख्या, कौन से नगर ई कहां पर है, ये नगर ई है, कुल संख्या और एफ, ये एफ भी साथ में है, निर्मित कुल संख्याओं का अनुपात बताएं। अब इसमें अगर हम बात करें तो टोटल यहां पर इतने बने हैं ई में,
और एफ शहर में इतने बने हैं, इन दोनों का अनुपात 7810 और 8635, इनको आपने जो है क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जो कि रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे आप? जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है जी, तो इसको आ जाएगा आपका, काट लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 142 और इसका आ जाएगा 157, 142 रेशो 157, 142 रेशो 157, तो ये इसका रहेगा। तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो उठाई जाएगी। तो ये था आज का डीआई का कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया था, और आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करनी है, और हम डेली बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो पर स्किप करिएगा, तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।